एक मिडल एक गैप में मैं एक क्या बोलता है इसमें शॉर्ट फॉल होता है उसमें बीच में कनेक्ट करने वाला एक पासा था और ये कनेक्टिविटी करने के लिए जितना भी कुछ करूंगा वो कमी है। आरोग्य जागृति, आज हम बात करेंगे ओम प्रकाश जी शेटे साहब से। इन्होंने जो महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत योजना के ऊपर महाराष्ट्र के लिए काफ़ी इनका योगदान रहा है, अभी इनकी नियुक्ति जो सेंट्रल पे जा चुकी है, इनसे बात करेंगे हम। औरंगाबाद शहर के लिए नहीं पूरे महाराष्ट्र के लिए सेंट्रल से हम क्या मदद ले सकते हैं आरोग्य के ऊपर? सर आपका आरोग्य देखिए, अभी मैं एक महीना हो गया वहाँ पे, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी और जो हमारे मिनिस्टर है मनसुख भाई मांडवीय और जिनके पास मैं APS बोल के ज्वाइन होगा वो डॉक्टर भारती ताई प्रवीण पवार, तो मुझे लगता है देश के लिए करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मेरे तरफ आ गई है। महाराष्ट्र के लिए जितना कुछ करना था CM मेडिकल असिस्टेंट सेल के माध्यम से और वन ऑफ द मेंबर ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, इसके ऊपर काम करते हुए जो भी कुछ मुझे एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस जो आगामी जो कुछ पीरियड है उसमें उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को इंडिविजुअल तो मदद मिलने की है ये, लेकिन अभी तक तो वही किया। अभी ब्रॉड विजन में सेंट्रल में ऐसा रहता है कि कुछ स्कीम लाना है तो इंडिविजुअल स्कीम नहीं आती, उसमें से बहुत सारी स्कीम्स ब्रॉड रहती है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का इसमें खास तरफ से इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्शंस है कि ये जो भी आम लोग हैं उनको इसको मुआवजा मिले, उसमें हेल्प मिले, हर एक आदमी सशक्त भारत के लिए, सामर्थ्यशाली भारत के लिए उसको हेल्थ का सबसे बड़े में उसका ध्यान रखा जाए। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर मैम की भी हमें डायरेक्शंस है, तो उसी तरीके से जो भी कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स बोल के जो भी कुछ होता है और मेरा एक्सपीरियंस जितना है तो उतना करने के लिए आगामी तौर से जो भी कुछ राष्ट्रीय आरोग्य निधि है और रेयर डिसीज का जो भी हेड है उसके ऊपर काम करने की अपॉर्चुनिटी है। तो आमतौर से आयुष्मान भारत का सही सपना आम लोगों के लिए सही हो जाए, ये परमेश्वर के पास मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथ से गरीब लोगों का काम हो जाए। सर अभी तक आरोग्य में काफ़ी योजनाएं आई है, लोगों तक तो पहुंची भी है और आपके माध्यम से दी भी गई है, लेकिन अभी सेंट्रल की बहुत सी योजना रहती है ये लोगों को मालूम नहीं है, इसी के ऊपर हम कोई जागृति कर रहे हैं आपकी तरफ? आप जो जिस बारे में आपने क्वेश्चन पूछा है वो इसके बारे में मैं भी सेंट्रल की बहुत सारी योजना अभी जान रहा हूँ। कभी क्या होता है आदमी को तभी ज़रूरत पड़ती है कि जब भी कुछ योजना यहाँ की कम गिरती है या कुछ शॉर्टफॉल होता है, और अच्छी बात है कि मैं वहाँ पे गया हूँ तो एक महीना हो गया मैं वही सीख रहा हूँ क्या क्या योजना है। तो ये सही है कि बहुत सारी जो कुछ योजनाएँ, हालांकि मैं ऑफिसर होने के बाद भी मुझे उतनी पता नहीं, तो कॉमन मैन को पता होने की कुछ ये भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस पीरियड में ये योजनाओं का सही लाभ आम से आम लोगों के देने के लिए जितना कुछ करना है वो करने की मैं कोशिश करूँगा। सर अभी जो आयुष्मान भारत के बारे में काफ़ी लोगों को संभ्रम है कि बाकी स्टेट के लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं लेकिन महाराष्ट्र के स्टेट के लोगों को ट्रीटमेंट मिलता नहीं है, इसके ऊपर क्या चल? देखिए इसके ऊपर जो भी कुछ लूपहोल्स है और उसके ऊपर मैंने पूरा भी जितना ध्यान दिया है तो आपको समझ में आएगा कि आगे जो कुछ आगे है, भारती ताई मैडम ने इसमें बहुत कुछ लीड किया है। पहली मीटिंग उन्होंने आयुष्मान की लगाई 28 अगस्त को, वो भी दिल्ली में लगाई, हमें पता है, हमें जानकारी, उसमें जो भी कुछ कमियां है तो वो डॉक्टर है और मैंने इसमें प्रैक्टिकली काम किया है, उस कमियों के ऊपर खास करके ध्यान रखते हुए जो भी कुछ कमियां है, आपने सुना होगा कि मनसुख भाई ने इसमें 200% उसमें पैकेज इंक्रीज किए, एक एक स्टेज आगे जा रहे हैं, इसमें से जितने भी लूपहोल्स है ज़्यादा से ज़्यादा सब लूपहोल्स कम करके महाराष्ट्र के और भारत पूरे इसके भारत में पूरा हर लोगों को लाभ मिले, इसका प्रयोजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर स्टेट ऑफ हेल्थ मिनिस्टर मैम भारती मैम वो कर रहे हैं। सर जैसा भाई आज आप थैलेसीमा सेंटर का इनॉग्रेशन के लिए आए, बहुत ही शॉर्ट इसमें आपने इतना बड़ा दूर से आके इनके मतलब आमंत्रण को
मान दिया है सर, आपका बड़ापन इसमें समझ जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि थैलेसीमा सोसाइटी को जो भी आज कमियां है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनके ऊपर आप हेल्थ के हिसाब से थोड़ा ध्यान देंगे, इनको क्या क्या मदद लगती है, आप इसके लिए आपके तरफ से, आपके हेल्थ मिनिस्टर के तरफ से जो भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहिए। ये बहुत होशियार लोग हैं थैलेसीमा मेजर सोसाइटी के जितने भी हैं, क्योंकि इन्होंने सही आदमी को चुना जो फाइनेंस मिनिस्टर है, और CSR उनके पास है, और वो पेडियाट्रिक सर्जन भी है, डॉक्टर भागवत राव जी कराड़ जो यहाँ के मिनिस्टर है, बहुत ही रिस्पेक्टिव पर्सन है, तो उनको पता है कि डिसीज क्या है और उसके ऊपर इलाज क्या करना है, और उसके बीच में जो माध्यम है उनके पास इतना तो वक्त नहीं होगा, या अनिल दिवेकर हो या डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान हो, ये दोनों भी बहुत होशियार आदमी हैं, उनको पता है कि किस लोगों को क्या कहाँ पर लाना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने डिसीज तो उनको पता था, इलाज करवाने के लिए डॉक्टर भागवत राव कराड़ उनको बुलाया, मैं तो एक मिडल एक गैप में, मैं एक क्या बोलता है इसमें जो शॉर्टफॉल होता है उसमें बीच में एक कनेक्ट करने वाला एक छोटा सा आदमी हूँ, और ये कनेक्टिविटी करने के लिए मैं जितना भी कुछ करूँगा वो कमी है और वो करते रहूँगा। मुझे नहीं लगता कि आगामी जितना भी जो कुछ पीरियड है उसमें कुछ थैलेसीमिया मेजर सोसाइटी के लिए, क्योंकि जो भी कुछ आज अनाउंस कर दिया ऑनरेबल भागवत राव जी कराड़ डॉक्टर ने, तो मुझे लगता है जो कुछ चीज़ें हैं इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी कुछ कम गिरेगी, और डे केयर सेंटर स्टार्ट हो जाएगा और वो फिर दोबारा उनको बुलाएंगे या किसी और आदमी को बुलाएंगे, क्योंकि उसमें वो चाहते हैं कि उसमें से और कुछ लोगों को इसमें राहत मिले, कुछ सुविधा मिले। मैं आज ये जो फंक्शन है इसके लिए ख़ास तौर से अनिल दिवेकर जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी चौहान, जिन्होंने 20-25 साल से इस शहर में अच्छी तरीके से सेवा दी, उन दोनों को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू। सर, जैसा आपको योजना का योद्धा बोला जाता है, जैसा महाराष्ट्र में आपने काम किया है, हमारी भी अभी आपके लिए और एक आशा है कि सेंट्रल में गए, सेंट्रल के लिए भी आप योजना का योद्धा बने, ऐसी हमारी अपेक्षा है। बस आपने इतनी बड़ी ख्वाहिश भी रखी है और मुझे ये लगता है कि मुझे आपने एक दुआ भी दी है कि मैं हो जाऊं, तो आपकी दुआओं के ऊपर से मुझे नहीं लगता कि जो भी गरीब लोगों की दुआ है दिल से निकलती है। 24 लाख लोगों तक हमने चैरिटी कोटा हो या महात्मा ज्योतिबा फुले हो, सॉरी महात्मा ज्योति बोले CM रिलीफ फंड, दोनों में से 24 लाख लोगों तक काम गए। इन लोगों की दुआ मुझे इसलिए मिले कि मैं और लोगों को काम कर सकूं। बस दुआओं के ऊपर तो सब कुछ चलता है, बाकी दवा तो काम लाती है लेकिन दुआ तो होना चाहिए। इतनी सारी लोगों की दुआ महाराष्ट्र के लेके मैं दिल्ली में काम करने गया हूँ, तो कुछ अच्छा ही हो जाएगा मेरे हाथ से। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथ से जो भी कुछ लोग हैं उनको मेरे हाथ से राहत मिलने के लिए जो भी कुछ लगता है उतनी परमेश्वर मुझे ताकत दे। आरोग्य जागृति।